सरकार अपने सत्ता में बैठ गए, हम लोग का जीवन के साथ पूरी तरह से खेल रहा है। हम लोग अपने रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, या तो रिजल्ट दे या तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दे। डेली डेली जो मार रहे एक ही दिन मार दे हम लोग, या तो हम लोग का रिजल्ट दे दे। आप तो हमें रिजल्ट प्रकाशित कीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। BTSC JEE की बहाली निकली थी, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित हुआ। रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद छात्रों का मांग था कि उसमें धांधली हुई, उसके बाद आयोग ने उस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद संशोधित रिजल्ट जारी करने की बात कही गई, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन जारी नहीं किया गया। उसके बाद छात्र जो है अब सड़कों पे उतरे हैं और देख सकते हैं हजारों की संख्या में है, और वो जदयू कार्यालय घेराव करने निकले। देख सकते हैं तमाम जो छात्र हैं जदयू कार्यालय के बाहर है। उसके बाद वहां से निकलने के बाद सीधे RJD कार्यालय पहुंचे, वहां पे घेराव कर रहे। तमाम जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो। तमाम छात्र नारे भी लगा रहे हैं और सरकार इस तरह से बात करें, और आयोग ने कहा था कि संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन 10 मंथ हो गए उसके बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। आइए छात्र से जानते हैं किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन करने उतरे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हम लोग जूनियर इंजीनियर के बहाली को पूर्ण करने के मांग को लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या कहिए सर? हम लोग सर जूनियर इंजीनियर के बहाली को लेकर सर सर सरकार एकदम पूरी तरह से निकम्मी हो गई है सर। कोई हम लोग का जीवन का संज्ञान नहीं लग, हम लोग का लाइफ के साथ पूरी तरह से खेला जा रहा है सर। हम लोग अपना जीवन का पूरा कीमती 5 साल मेरा समय ले लिया सर, उसके बाद भी कुछ नहीं आता। एक बार रिजल्ट देने के बाद भी सर दोबारा रिजल्ट नहीं दे रहे सर। सरकार कोर्ट आयोग कर रहा है सर, खुद सरकार की नाकामी के कारण सर हम लोग का रिजल्ट अभी तक पढ़ने में, उन लोग अपना रिजल्ट सर 5 दिन में निकलवाते हैं, हम लोग का सर रिजल्ट 5 साल में निकला सर। इतना युवा हम लोग का जीवन है सर, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग सरकार अपने सत्ता में बैठ गए, हम लोग का जीवन के साथ पूरी तरह से खेल रहा है सर। बिल्कुल नहीं सुन रही है सर। हम लोग का 4 साल पहले बहाली आया और अब कोर्ट में बहाली को कैंसिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोग का एक बार रिजल्ट भी आ चुका है, मगर संशोधन के नाम पर अभी तक एक रिजल्ट भी नहीं दिया हुआ। संशोधन के बारे में कहा गया था अभी तक रिजल्ट, हाँ उसको संशोधन करके देने के लिए बोला गया था, बट अभी 10 महीना हो गया, 10 महीना हो गया संशोधन के नाम पे। क्या कहेंगे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बावजूद। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मांग करते हैं कि उनका जो वादा था, 4 साल से जो हम लोग भटक रहे हैं, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता का जो है, हम लोग अपने रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, या तो रिजल्ट दे या तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दे। मांग फिर भी है। क्या कहेंगे सर, ऐसे भी 4 साल से तो मर ही रहे हैं ना सर। हर दिन सर्च करते हम लोग वेबसाइट पे जाके, रिजल्ट आज मेरा दिया हुआ होगा, लेकिन नहीं रहता है सर, तो मर ही रहे, देखिए बार मर जाएंगे घुट घुट के मरने से। कितना दिन में से 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल से हुआ सर, 1 साल होने वाली, और कितना दिन इंतजार करेंगे हम लोग जी। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगा डेली डेली जो मार रहे एक ही दिन मार दे हम लोग, या तो हम लोग का रिजल्ट दे दे। क्या और क्या बोलेंगे सरकार से? सरकार से उम्मीद है, इसीलिए आए हैं कि आज भी हम लोग को उम्मीद है, इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग सरकार। तेजस्वी यादव से कितना उम्मीद है? तेजस्वी यादव से हमको ना हमारी सरकार से उम्मीद है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट दे, संशोधित रिजल्ट कहा गया था जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक जारी। हाँ, कमीशन ने भी हमें आश्वासन दिया था कि अक्टूबर में रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रही है। हम बार बार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर, बार बार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। अभी अभी हमारी मांग है कि आप तो हमें रिजल्ट प्रकाशित कीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हाँ, इच्छा मृत्यु दो, हम मरने के लिए तैयार है, आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए हमें। हाँ, इच्छा मृत्यु दे, क्योंकि बार बार ये आश्वासन देते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम अक्टूबर में नवंबर में सब सब यहाँ पे यही मांग से यहाँ पे उपस्थित हैं। आपकी भी यही मांग है, रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो? यस, क्योंकि अब जो भी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर रोजगार ही न हो जाएंगे। क्या कहेंगे? यही कहेंगे और क्या, 4 साल से आप वैकेंसी रोक के रखे हैं, आप लास्ट में बोल रहे हैं कि उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो आदमी कुछ तो करेगा ना। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि जिस तरह से आयोग का कहना था कि रिजल्ट जो है संशोधित के बाद जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक जारी नहीं किया गया, और लगातार सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, इसीलिए हम लोग जो है जदयू RJD कार्यालय घेराव करने निकले हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और
सरकार ने कहा था कि अब जो है छात्रों को नौकरी मिलेगी, युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन अब तक जो है हमारे बहाली को 4 साल हो गए लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। संशोधित रिजल्ट का के 10 मंथ हो गए हैं लेकिन लग रहा है कि बड़ी धांधली फिर से होने वाली है, इस वजह से रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।